टू द चैनल एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे होंडा जैज 2020 BS6 वेरिएंट के बारे में। सो होंडा जैज कम्स विद 1.2 लीटर पेट्रोल आईवीटेक 4 सिलेंडर इंजन एंड जिसकी पावर जनरेशन है 88.76 bhp एंड जिसका टॉर्क है 110 न्यूटन मीटर। सो होंडा जैज के जो प्राइजेज हैं वो 7.56 लाख से शुरू होते हैं एंड जो टॉप एंड वेरिएंट है वो 9.8 लाख तक पड़ता है इन जम्मू। सो ये आप कुछ देख सकते हैं अभी होंडा जैज। तो ये आपके सामने है पर्ल वाइट कलर। सो आप जैसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं फ्रंट प्रोफाइल कितनी ज़्यादा बढ़िया है एंड हेडलैम्प्स इसमें आपको फुल LED प्रोजेक्टर देखने को मिलेंगे। सो DRLs भी काफ़ी बढ़िया यूज़ किए गए हैं इस कार में एंड वहीं से अगर हम इसका एक फुल चेक करें लुक तो कितना बढ़िया दिख रहा है। नीचे की और फॉग लैम्प्स का डिज़ाइन भी एकदम न्यू ट्रेंडी स्टाइल में देखने को मिलेगा। तो ये था कंप्लीट फ्रंट प्रोफाइल कार का। अब चलते हैं साइड प्रोफाइल की ओर। तो साइड से भी देखने में कार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिखती है एंड साइड में जो फर्स्ट थिंग अट्रैक्टिव है वो है इसके अलॉय व्हील्स। सो 15 इंचेस अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलेंगे इस कार में। काफ़ी अच्छे अलॉय व्हील्स हैं एंड कार के कलर के साथ भी एकदम मैच करते हैं। तो वहीं पे अब बात कर लेते हैं इस कार के ORVM की। सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs मिल जाते हैं विद वाइड व्यू एंगल। तो LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं आपको ORVMs पे। देन डोर हैंडल्स आपको क्रोम डिज़ाइन में देखने को मिल जाएंगे विद रिक्वेस्ट सेंसर ऑन बोथ फ्रंट डोर्स एंड आप जैसे ग्लासेस का व्यू भी चेक सकते हैं काफ़ी अच्छा है। टॉप में आपको सनरूफ देखने को मिल जाएगा टॉप एंड वेरिएंट में ZX मॉडल। तो साइड प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छी है 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ एंड जो इसकी माइलेज है वो है 17.7 kmpl की। एंड वहीं पे अगर इसकी एंड वहीं से अब चलते हैं बैक प्रोफाइल में। तो बैक प्रोफाइल भी काफ़ी ज़्यादा बोल्ड एंड न्यू डिज़ाइन में मिलती है एंड वहीं पे अगर बैक लाइट्स की बात कर लें तो बैक लाइट्स पे आपको फुल सिग्नेचर डिज़ाइन में देखने को मिलेंगी होंडा की ओर से। काफ़ी अच्छी बैक लाइट्स का डिज़ाइन है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड वहीं पे IVTEC एंड ZX की बैजिंग। बैक साइड में भी आपको फुल क्रोम डिज़ाइन देखने को मिलेगा ट्रंक के ऊपर। सो चेक दिस आउट। बाकी नीचे की ओर भी आपको एक काफ़ी अच्छा ट्रेंडी लुक देखने को मिल जाता है बैक बम्पर की ओर भी। रियर में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे विद रियर पार्किंग कैमरा 2। सो ZX मॉडल में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है एंड अगर वहीं से इसके इंटीरियर्स की ओर चलें तो इंटीरियर में आपको ड्यूल टोन कलर देखने को मिल जाएगा ब्लैक एंड बेज कलर में विद सिल्वर लाइनिंग कुछ कुछ जगह पे। तो ऐसा सा कुछ है डोर का फुल डिज़ाइन तो काफ़ी बढ़िया है। पावर ऑल पावर विंडो कंट्रोल्स के साथ आ जाता है। तो वहीं से अगर हम फर्स्ट लुक लें एक बार इंटीरियर का फ्रंट इंटीरियर काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब ये है गाड़ी की की। सो स्मार्ट की है टोटली। अंदर बैठ के चेक करते हैं कि आपको कैसा कंफर्ट देखने को मिलता है। एज़ यू कैन चेक कितना कंफर्टेबली मैं यहाँ अंदर बैठ पा रहा हूँ एंड हेडरूम भी काफ़ी अच्छा मिल पा रहा है। तो साइड में आपको मैनुअली एडजस्टेड लीवर्स मिल जाते हैं हाइट एंड फ्रंट बैक करने के लिए। सो इंटीरियर में आपको काफ़ी अच्छा डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा काफ़ी कलरफुल एंड ऑल लोडेड न्यू फीचर्स के साथ जो अभी लेटेस्ट इन मार्केट चल रहे हैं। 7 inches का टच स्क्रीन देखने को मिलेगा आपको फुली एंड्रॉयड ऑटो एंड कारप्ले के साथ। इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको देखने को मिल जाएगा टॉप में। देन आर्मरेस्ट देखने को मिल जाएगी सेंटर में। देन ऑटो AC देखने को मिल जाएगा फुली टच स्क्रीन वाला। काफ़ी कुछ नए अट्रैक्टिव फीचर्स हैं एंड स्टेयरिंग में भी आपको क्रूज कंट्रोल्स के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। सो फुली लोडेड फीचर के साथ ही आती है कार काफ़ी कुछ अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो ये है कुछ इंटीरियर के बारे में। रियर सीट्स की अगर हम बात करें तो रियर सीट्स में भी काफ़ी अच्छा आपको लेग रूम देखने को मिलेगा। तो अंदर बैठ के एक बार चेक कर लेते हैं। सो चेक दिस आउट। थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है एंड वहीं पे अगर हम बात करें लेग रूम की तो वो भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको। सो काफ़ी कंफर्टेबली आप अपनी राइड्स को एंजॉय कर सकते हैं। हेडरूम भी ऑन द सेम काफ़ी बढ़िया मिलता है। बाकी 3 people ईजिली रियर सीट्स में बैठ सकते हैं वो भी एकदम कंफर्टेबली। तो अब चलते हैं इसकी बूट स्पेस की ओर।
तो इस गाड़ी में आपको 354 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस देखने को मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छी एम्पल अमाउंट ऑफ बूट स्पेस मिलती है आपको एक हैचबैक के हिसाब से। सो ये कुछ टूल किट पड़ी हुई है एंड काफ़ी अच्छा स्पेस है, 3-4 शॉर्ट केसेस अच्छे से रख सकते हैं। नीचे की ओर स्टेपनी व्हील 15 इंचेस का एंड कुछ टूल्स। सो साइड में आपको यहाँ पे ट्रंक लाइट भी देखने को मिल जाएगी। गाड़ी का वॉक अराउंड एंड जो इसकी फुल डिटेल वीडियो है जायज़ की, वो नेक्स्ट अपलोड होगी, तो स्टे ट्यून्ड। एंड उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस प्लीज डू लीव अ लाइक, लीव अ कॉमेंट एंड दैट्स इट। बाय बाय, बी कूल, बी हैप्पी एंड एन्जॉय योर लाइफ।